हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर त्यागी हेल्थ टिप्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है बात करने वाले हैं किसी भी प्रकार का जो हड्डियों वाला दर्द होता है या मांसपेशी वाला दर्द होता है, दर्द के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो सर्वाइकल स्पोंडलाइटिस हो, थोरेसिक स्पोंडलाइटिस हो, चाहे आपका लंबर स्पाइन वाली स्पोंडोलाइटिस हो। स्पोंडोलाइटिस किसको किसे कहते हैं? स्पोंडोलाइटिस ये है कि हड्डी, जैसे जो कमर की हड्डी होती है वो थोड़ी सी जो है बढ़ जाती है, और वो क्या करती है, वो नर्व को दबा लेती है, और नर्व दबने की वजह से पूरे हाथ में सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस होगी तो पूरे हाथ में झनकार जाएगी। और लंबर, अगर लंबर या कोक्सिक जो है स्पोंडोलाइटिस होगी तो पैरों में वो झनकार जाएगी, तो इस तरह की झनकारें निकलने लगती हैं। और ये एक तरह से जो हड्डी वाला दर्द है वो मांसपेशी के दर्द में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा गठिया बाय के कारण भी ये हो जाता है। गठिया किसी को अगर हो जाती है तो गठिया बाय की वजह से भी जो है गठिया बाय की वजह से भी आपके जोड़ों के अंदर दर्द रहने लगता है। जैसे ये उंगली के बीच का जोड़ है या यहाँ पे ये जोड़ है, जितने भी तरह के जोड़ होते हैं तो जोड़ों में दर्द होने लगता है। इसका कारण ये होता है कि कार्टिलेज जो बोन होती है, कार्टिलेज बोन कभी कभी क्या होता है कि वो रगड़ लगने की वजह से थोड़ा सा घिस जाती है और आपस में हड्डी में हड्डी जो है टकराने लगती है, और इसको जो है फिर जब हड्डी में हड्डी टकराने लगती है तो ये दर्द जो है बढ़ जाता है। तो तमाम तरह के जो दर्द होते हैं, मैंने क्लिनिक पे यूज किया है, बहुत ही अच्छा जो है रिज़ल्ट जिस चीज़ का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परमानेंट किसी चीज़ की दर्द के लिए जो है दवाइयां खाते हैं, अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं, परमानेंट किसी जो है दवाई के मोहताज हो जाते हैं, जैसे डिक्लोफेनेक या कॉम्बिफ्लेम वगैरह या कोई दूसरी स्टेरॉइड के साथ खाना पड़ता है, तो उनके बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स इतने सारे होते हैं कि वो अपने किडनी और या दूसरी बहुत सारी चीज़ें उनकी जो है इफ़ेक्टेड होने लगती हैं, और मरीज जो है ठीक होने की बजाय बीमार होने लगता है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो जिसका नाम है ऑर्थोरोक। ये है दोस्तों ऑर्थोरोक कैप्सूल है ये, और इसके अंदर जो है ऑर्थोरोक में जो है ये इसको जो है मैं एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह के कैप्सूल इसके अंदर आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये शुद्ध बिल्कुल एकदम आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है ये। देखिए, ये आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरह की इसमें टैबलेट, ये कैप्सूल आते हैं, इस तरह के कैप्सूल इसके अंदर आते हैं, इसमें इस तरह का कैप्सूल निकलता है ये। और ये जो है ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्सटेक्ट से बना हुआ है। इसको जो है जो मैन्युफैक्चर करता है आरके फार्मा, और मार्केटिंग करता है इसकी यूनिक फार्मा। तो ये यूनिक फार्मा का एक ब्रांड प्रोडक्ट है, और मैंने इसको बहुत दिन यूज किया और पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट इसका है कि जो है बहुत ही प्यारा इसका रिज़ल्ट मैंने देखा है। और इसके साथ में जो है ये एक महीने की दवाई मात्र 390 रुपये की मिलती है, एक महीने की मेडिसिन। और ये मेडिसिन के साथ आता है, ये एक इसके साथ ऑयल आता है, जो ऑयल कैप, जिस तरह की कैप होती है इसके अंदर, ये कैप उतार के ना, तो ऑयल कैसे यूज करते हैं ये भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। ऑयल इतना अच्छा रिज़ल्ट इसका है कि अंग्रेजी मेडिसिन फेल है इसके सामने। इस तरह से इसमें ये अंदर डालने के बाद, और ये जो है फिर ये इस तरह से किसी भी जोड़ में, अच्छा इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि तेल जो है ना आपका ख़राब नहीं होगा, मतलब बिरान नहीं होगा। और फुहारा लगा करके इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी तुम्हें दर्द हो वहाँ पे लगा सकते हैं, और मात्र इसका 15 या 20 मिनट में आपको जो है रिज़ल्ट भी मिल जाता है। और 100% आयुर्वेद है, तो इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता,
साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है। अच्छा, इंग्रेडिएंट की अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके अंदर ये है दोस्तों, इसके अंदर हार सिंगार है, शुद्ध शिलाजीत है, और सौंठ है, पीपल है, गूगल है, और इसके अंदर जो है अश्वगंधा है, और इसके अंदर जो है कचूर है, हरड़ है, नागर मोथा है, और इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, और इन सब के एक्सट्रैक्ट हैं, एक्सट्रैक्ट से इस ये तैयार किया गया है, इस सब के एक्सट्रैक्ट हैं, और इसमें केवल एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम खाने से ही मात्रा आपको आराम मिल जाएगा। और इसका जो ये स्टिप है ये आती है, इसमें एक महीने की पूरी मेडिसिन आती है, एक महीने में ऑयल साथ में आता है, 390 रुपये का मात्र मिलता है, जो बहुत ही आसानी से हर आदमी ख़रीद भी लेता है। ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, अमेज़ोन या स्नैपडील से आप इसको ख़रीद सकते हैं। और खाने का तरीका ये है कि एक कैप्सूल इसका सुबह एक शाम आप जो है आराम से दूध के साथ खाएं। परहेज की अगर मैं बात करूं तो बादी वाली चीज़ों से आपको बचना है, बादी वाली चीज़ आप नहीं खाएंगे, और अपनी बॉडी का सबको पता रहता है कि कौन सी दवाई से कौन सी चीज़ खाने से मुझे क्या नुकसान हो रहा है। तो आप जो है खटाई वगैरह बादी वाली चीज़ें ये बंद रखेंगे कुछ दिन के लिए, और उसके बाद इसका बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट है, एक बार ज़रूर यूज करके देखें। मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस है, अनुभव है, सभी को मैंने ट्रीटमेंट दिया तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल।